समझ लो निरंजन, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु जी वाहिगुरु, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब इसके पीछे भी देखो क्या राज है। वाहिगुरु जी का खालसा यानी परमात्मा का जो शिष्य है, परमात्मा का जो बच्चा है, वो खालिस है, खालिस, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। और वाहिगुरु जी की फतेह समझ लो उसी की फतेह होनी है। खालसा वहाँ पहुँचेगा वाहिगुरु के पास, लेकिन वो खालसा होगा तो पहुँचेगा। खालसा यानी जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, यानी खालिस सोने की तरह है, प्योर पवित्र प्रशंसा के काबिल आत्मा। खालसा कह लो चाहे आत्मा कह लो, एक ही बात है। नहीं कलंक कह लो, जिसमें कोई कलंक ना हो, शुद्ध हो, एक ही बात है। मोहम्मद कह लो यानी जो प्रशंसा के काबिल है, एक ही बात है। इसीलिए मुसलमान भाइयों के नामों के आगे मोहम्मद लगता है, क्योंकि वो उनको सांकेतिक ज्ञान से समझाया जा रहा है कि तुम प्रशंसा के काबिल हो, तुम अपने आप को शरीर मत मान लेना। इसीलिए मुसलमान भाई एक दूसरे को भाई जान, अम्मी जान, अब्बू जान ऐसे बोलते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि तुम जान हो, जान जान है बॉडी में तो बॉडी चल रही है, और जान नहीं है तो बॉडी नहीं चल रही है। आत्मा को जान बोला जाता है, याद दिलाया जाता है कि तुम एक आत्मा हो, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। वो अल्लाह को कहीं और ही ढूंढ रहे हैं। अपनी जान में ढूंढो, तुम्हारी जान में विराजमान है वो। इसीलिए मुसलमानों में खान भी लगाया जाता है। खान यानी जहां पर छुपा हुआ कोई पदार्थ, कोई तत्व, कोई खजाना हो। हीरे की खान, कोयले की खान, खान मिलती है तो देश मालोमाल हो जाते हैं। सारा तत्व छुपा हुआ होता है तो कंगाल रहते हैं, और जब उजागर हो जाता है कि यहाँ तो खान है, अब फिर खुदाई चालू होती है। देखो खान की भी खुदाई चालू होती है यानी खान में खुदाई करोगे तभी खुदा मिलेगा नाम बड़े सोच समझ के रखे जाते हैं। खुदाई यानी कि खोजो अंदर जाके, आत्मा में जाओ, घुसो एक बार, उसमें एंटर करो, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए, समाओ जाके।